खनिज निगम उपाध्याय माननीय राजेंद्र सिंह मोकलपुर जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। सौजन्य राजपूत हार्डवेयर बिजोरा रोड जयसिंहनगर। कहते हैं अगर किसान कोई फसल उगाए तो फिर उस फसल के रेट की ऐसी सत्यानाश होती है कि किसान की कमर ही टूट जाती है। ताजा मामला मध्य प्रदेश के सागर जिले का है। यहाँ रहली देवरी के किसानों ने प्याज और लहसुन की फसल उगाई थी, बम्पर पैदावार हुई, लेकिन जब उनकी प्याज और लहसुन बाजार में बिकने आई तो उनके दाम अचानक से ऐसे गिरे कि किसान का मनोबल ही टूट गया। अब किसान कान पकड़कर यह कसम खा रहे हैं कि प्याज और लहसुन की फसलें कभी नहीं लगाएंगे। कभी कितनी जगह में लगाए थी आप? 3 एकड़ में लगाए थे भैया। 3 एकड़ में। 3 एकड़ में लहसुन और प्याज, कितना नुकसान भाव आपको? लाखों रुपया को। अच्छा, लागत नहीं निकल रही? लागत को 10 रुपया में की नहीं पूछ रहा हूँ कि 10 रुपया की दे दी। अच्छा, और क्या माने अब आगे कबू ने करो लहसुन और प्याज की खेती आप? हाँ, हो कर रहे हैं भैया। अब कब खेती में अच्छी पर बात हो, खेती बिक बिकी नौबत तो आई गई। अच्छा, और क्या बहुत लागत लग गई। बहुत अब साहूकार और परेशान करेंगे जी की लाए हैं ब्याज। अच्छा अच्छा, बुंदेलखंड का किसान सोयाबीन की फसल उगाते उगाते इतना बर्बाद हुआ था कि उसने फसलों की किस्में बदली, लेकिन इसके बाद भी उसे घाटा हुआ। अब कुछ किसान ने अन्य जगहों की तरह जहां पानी भरपूर है उसी तर्ज पर बुंदेलखंड के किसानों ने यहां लहसुन और प्याज की फसल उगाई, लेकिन फसलें तो बम्पर हुई, लेकिन उसके बाद किसानों की फसलों के दाम जो घटे उसके बाद तो किसानों ने अब यह फसल नहीं उगाने की कसम खाई है और कान भी पकड़े। यह रैली की तस्वीरें जहां के किसानों ने लहसुन और प्याज की फसल उगाई थी। फसल तो अच्छी आई, लेकिन उसके दाम जब उसे नहीं मिले तो वो निराश हो गया। हिंदुस्तान में अक्सर किसानों के साथ यही होता है। जब व्यापारियों के पास लहसुन और प्याज का स्टॉक होता है तो बाजार में प्याज और लहसुन के दाम बढ़ जाया करते हैं, लेकिन जब किसानों के पास लहसुन प्याज होती है तो उसके रेट घट जाया करते हैं। यही सच्चाई है, शायद यही नियति का खेल है और यही व्यापार है, जिससे व्यापारी और बढ़ रहा है, किसान दिन पर दिन और घट रहा है। आशु दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज, रही। We'll be right back.